Dr. Saruli? Yes, sir. Assalamu alaikum, students. Welcome you. I'm your channel. Channel side, not here. I'm your channel of the Genius Cyborg Academy. And this is your host, Mohammed. I hope you are doing well. Before going to start, like the button, the rule of life. चलो बच्चे आने चलो हम लोगों ने बहुत मॉडल किस्सा वगैरह तमाम कंप्लीट कर लिया था स्टूडेंट आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड
to fifth shell. Question number is electron is excited to the fifth shell. आपने बताया है कि the number of possible transition कितनी हो सकती है? क्या ये सवाल आपको पहले करा सुनो? नहीं कराया? अच्छा आप सुनो. क्वेश्चन सुनो. If electron is excited to the fifth shell, आपने क्या बतानी है? The number of possible transition. मतलब समझाता हूँ. ये पहला शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है, और ये पांचवा है. एक दो तीन चार पांच. या देखिए, आपने इलेक्ट्रॉन को कौन से शेल पे एक्साइट किया है? फिफ्थ शेल. राइट चिल्ड्रन, यस सर. आपने इसमें जवाब देना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन. तो सुनो, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल से ड्रॉप होके कौन से शेल में आ जाएगा? ये एक पॉसिबल है. दूसरा, फिफ्थ से कहां पे आ जाए? सेकंड में, फिफ्थ में, थर्ड में, और फिफ्थ से फोर्थ में. कितनी पॉसिबल ट्रांजिशन हो गई है? फोर. लेकिन फ्यूजन से इलेक्ट्रॉन फोर्थ में आएगा, तो फोर्थ में आने के बाद हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी है कि ये फोर्थ से कहां पे आ जाए? फर्स्ट में आ जाए. फोर्थ से कहां पे आ जाए? सेकंड में. और फोर्थ से थर्ड में. और फिर इसी तरीके से थर्ड में आने के बाद थर्ड से फर्स्ट में, और थर्ड में सेकंड में, और फिर सेकंड से कहां पे आएगा? फर्स्ट. तो अगर आप कहें तो कुल मिला के टोटल ट्रांजिशन अगर आप देखें तो वो कितनी हो सकती है? 10 ट्रांजिशन. राइट स्टूडेंट. तो जवाब ये है कि हाउ मच पॉसिबल ट्रांजिशन इज टेक प्लेस? 10 ट्रांजिशन. क्या ये बात सारों को समझ आ रही है? लेकिन इसका आसान तरीका भी है, एक आसान तरीका भी है, इसका इजीएस्ट फार्मूला भी है. और इस इजीएस्ट फार्मूला ये है, मुझे बताओ कौन सी शर्त पे ट्रांजिशन स्टार्ट एक्सेप्ट किया है? फिफ्थ के नीचे कौन कौन सी शर्त? 4 3 2 1. इन सारों को ऐड कर लो, आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा. दिस इज द इजीएस्ट कंसेप्ट. एवरीवन क्लियर? एवरीवन क्लियर? तो अगर आपसे पूछे कि कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो जो सा शेल हो उसके नीचे जितने भी हो बाकी सारों को ऐड कर दो. कौन मुझे बताएगा? अगर इलेक्ट्रॉन को 6 शेल तक एक्साइट करते हैं, कितने शेल तक? 6 शेल तक. तो क्या आप पॉसिबल ट्रांजिशन बता सकते हैं? बताओ क्या? 5 + 4 + 3 + 2 + 1. आंसर क्या आ जाएगा? 15. कितनी पॉसिबल ट्रांजिशन है? 15 पॉसिबल ट्रांजिशन. सारों को क्लियर? यस सर. ये क्वेश्चन अक्सर का एमसीक्यू वगैरह आता है. अच्छा, अब इस पॉइंट की तरफ चलते हैं. ये बताएं कि अगर इलेक्ट्रॉन को मैं थर्ड शेल तक एक्साइट करूं, कौन सी शेल तक एक्साइट किया है? थर्ड शेल तक. क्या आप इसमें पॉसिबल ट्रांजिशन बता सकते हैं? कितनी? 3. कितनी? 3. 3 3 कैसे? दूसरा समझो, तो आसान तरीका हो गया. लेकिन आप देखो, 1 2 3. 3 से फर्स्ट तक, 3 से सेकंड तक, और सेकंड से फर्स्ट तक. एवरीवन क्लियर? तो अगर आप इससे निकलने वाले फोटॉन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन जब हायर शेल से लोअर शेल में आएगा तो बताओ उसे क्या इमिट करेगा? फोटॉन. फोटॉन का मतलब है स्पेक्ट्रल लाइंस. फोटॉन का मतलब क्या है? तो ये बताओ कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस अपेयर हुई? 3 स्पेक्ट्रल लाइंस अपेयर हुई. राइट स्टूडेंट. लेकिन जब इसको हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, इसे ऑब्जर्व करो माइक्रोस्कोप से, स्टडी करो इन स्पेक्ट्रल लाइंस को, तो पता लगेगा कि इन स्पेक्ट्रल लाइंस में इसके अंदर फर्दर क्या मौजूद है? शार्प लाइंस मौजूद है. क्या मौजूद है? शार्प लाइंस. ये लाइन किसकी वजह से है? शेल की वजह से. लेकिन अब इन लाइनों के अंदर फर्दर क्या मौजूद है? शार्प लाइंस. बहुत एटॉमिक मॉडल इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता. जुगला प्रोग्राम ने क्या लिखा? कैन नॉट एक्सप्लेन शार्प लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. बहुत को एक्सप्लेन नहीं कर सकता. लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि ये शार्प लाइंस का मतलब क्या है. तो कान खोल के सुनो, शार्प लाइंस का मतलब ये है कि द शेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स. The shell is further divided into subshell. और कौन-कौन से subshell होते हैं? S, B, D, F, G, H. वासे रहे कि ये reveal करता है कि shell is further divided into subshells. कैसे? मैं आपको बताता हूँ.
मुझे ये बताओ, बल्कि शायद तुम्हें मालूम है कि पहले शेल में एक ही सब शेल होता है और वो कौन सा है? S. दूसरे में SV, तीसरे में SVD. According to Bohr, थर्ड से फर्स्ट तक आएगा. थर्ड से कहां पे आएगा? फर्स्ट. तो एक स्पेक्ट्रल लाइंस ओपन होनी चाहिए. मतलब अगर मैं कहूं थर्ड से डायरेक्ट कहां पे आ जाए? फर्स्ट. तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस? वन. मतलब वैसे तो टोटल तीन है, लेकिन मैं अगर कहूं कि थर्ड से डायरेक्ट कहां पे जंप करे? फर्स्ट में. तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन? वन. लेकिन सुनो, थर्ड में इलेक्ट्रॉन एस में भी हो सकता है, थर्ड में इलेक्ट्रॉन पी में भी हो सकता है, और थर्ड में इलेक्ट्रॉन डी में भी हो सकता है. तो थर्ड से फर्स्ट में जब आएगा, थर्ड से कहां पे आएगा? फर्स्ट में. तो बताओ, थर्ड में एस पी डी है और फर्स्ट में क्या है? एस. तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि एस से कहां पे आ जाए? एस में. दूसरी बताओ, बी से एस में, तीसरी डी से एस. तो अब मुझे बताओ, ये एक नहीं, ये दरअसल कितनी निकलेंगी? तीन निकलेंगी. और हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट वन? सब शेल्स. हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट वन? सब शेल्स. तो वो एक लाइन नहीं है. बोहर के मुताबिक थर्ड से कहां पे आएगा? फर्स्ट में. डायरेक्ट अगर फर्स्ट में आएगा, बाकी को इग्नोर कर दो, बाकी को थर्ड से कहां पे आएगा? फर्स्ट में. तो कितनी होनी चाहिए? एक. लेकिन उस एक के अंदर फर्दर क्या मौजूद है? शार्प लाइंस. क्यों? क्योंकि शेल के अंदर फर्दर क्या मौजूद है? आगे या कोई आपसे सवाल पूछे, आगे मैं पूछूंगा तुमसे कि सब शेल का पता हमें कहां से लगा था? सब शेल का पता हमें कहां से लगा था? तो आप क्या बोलोगे? शार्प लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. Bohr atomic model cannot explain the phenomena of Zeeman effect and Stark effect. एक काम करो बच्चों, कागज निकालो और Zeeman effect की definition लिखो, शामिल कर बोलता हूँ. जो ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं वो भी कागज निकाले और नोट करें. लेकिन the splitting of the splitting of spectral lines into further sharp lines when an excited atom is placed in the magnetic field when an excited atom is placed in the magnetic field is called as Zeeman effect. The splitting of spectral lines into further sharp lines when an excited atom is placed in the magnetic field is called as the Zeeman effect. उसके नीचे Stark effect की definition है. जी, एक काम करें, जरा Zeeman effect की definition बोले. Thank you.
free definition, but in spite of magnetic field, तुम क्या लिखोगे? Electric field. So this effect we call as star effect. Everyone clear? लिखिए बच्चों. Clear? Yes sir. चलो यहाँ देखो. बात ऐसी है कि अगर आप लोग एक डिस्चार्ज ट्यूब लें और उसमें आप हाइड्रोजन गैस को इस्तेमाल करें, प्रेशर लो करें, वोल्टेज अप्लाई करें, आपको पता है कि द ट्यूब विल स्टार्ट टू ग्लो. फिर आप एक काम करें, इसके सामने स्लिप रखें और इसको फोकस करें किस चीज पे? कल हमने पढ़ा था, इससे आपके पास क्या चीज ऑब्टेन होंगे? स्पेक्ट्रल लाइंस. क्या ऑब्टेन होंगे? स्पेक्ट्रल लाइंस. अब आपने काम करना है, इन स्पेक्ट्रल लाइंस में अंदर फर्दर क्या मौजूद होंगी? शार्प लाइंस. क्या रिपीट करती है? सबशेल. क्या रिपीट करती है? सबशेल. अब एक काम, यहाँ पे इस डिस्चार्ज ट्यूब के इर्द गिर्द आप यहाँ पे नॉर्थ पोल रख लोगे और यहाँ पे साउथ पोल. मतलब आप यहाँ पे एक्चुअली क्या चीज अप्लाई करोगे? मैग्नेटिक फील्ड. जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो आपको इसमें नजर आने वाली शार्प लाइंस जो है, दे विल फर्दर स्प्लिट अप इनटू फर्दर शार्प लाइंस. यानी वो लाइंस और भी फर्दर क्या हो जाएंगी? स्प्लिट हो जाएंगी इनटू फर्दर शार्प लाइंस. दिस फिनोमेना, ये जो स्प्लिटिंग है, इस फिनोमेना को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है? सीमेंट इफेक्ट कहा जाता है. और अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड हटा के यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट रख लो और यहाँ पे कौन सी प्लेट रख लो? नेगेटिव. कौन सी फील्ड अप्लाई करो? इलेक्ट्रिक फील्ड. तब भी यही होगा, इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? स्टार्ट इफेक्ट. मैग्नेट हटाओगे दोबारा ये स्प्रेडिंग क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी. मैग्नेट रखोगे तो दोबारा क्या हो जाएगी? स्प्रेडिंग हो जाएगी. एवरीवन क्लियर? सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज सीमेंट इफेक्ट एंड स्टार इफेक्ट. तो अब क्या कॉपी को देख कर बताओ, व्हाट इज सीमेंट इफेक्ट? स्पेक्ट्रल लाइंस इन टू फर्दर शार्प व्हेन एन एक्साइटेड एटम इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. क्वेश्चन राइज, क्यों स्प्लिट होती है? क्यों क्यों होती है? मैग्नेटिक फील्ड रख रहे हैं. एक बात तो बता, ये लाइन किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी? उसके अंदर फर्दर शार्प लाइन थी. क्या बता रही थी? अब ये फर्दर और भी स्पीड अप हो रही है. तो याद रखिए, इट शोज दैट कि सब शेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब सब शेल, और सब सब शेल को हम लोग एक और भी नाम देते हैं, यहां से हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है? ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. किसके बारे में? ऑर्बिटल के. सब शेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब सब शेल एंड द सब सब शेल इज एक्चुअली कॉल्ड एज ऑर्बिटल. अब बताओ, अगर मैं आगे तुझसे पूछूंगा कि ऑर्बिटल का पता हमें कहां से लगेगा, तो तुम क्या जवाब दोगे? सीमेंट इफेक्ट है. और इस चीज को एक्सप्लेन, और बता दो तो सिर्फ कहां पे था शेल? शेल के बाद जितनी भी चीजें हैं, सब शेल, सब शेल के अंदर क्या चीज है? सब सब शेल. बोहर्स contradict Heisenberg uncertainty principle. जो लोग लोगों ने क्या लिखा? बोहर contradict Heisenberg uncertainty principle. contradict कहते हैं मुखालिफत करना, मुखालिफ, contradiction, मुखालिफत. क्या चीज है? मुखालिफत. तो बोहर मुखालिफत करता है किस चीज की? Heisenberg. अच्छा, अब मैं आपको बताऊं क्या चीज है.
an electron revolves around a nucleus in a fixed path? हाइजेनबर्ग कहता है कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ पार्टिकल बट इलेक्ट्रॉन इज अ वेव और वेव का कोई फिक्स पाथ नहीं होता। दैट्स द डेफिनेशन। फर्क पता लगा? वो कहता है फिक्स पाथ है, हाइजेनबर्ग कहता है देयर इज नो फिक्स पाथ। राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द ड्रॉबैक ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल। एवरीवन क्लियर? ओके, नाउ वी मूव ऑनवर्ड टुवर्ड्स एनी अदर टॉपिक स्टूडेंट्स। And the topic is actually dual nature of electron. What did I say? Dual nature of electron. You know, electron may behave like a particle and as well as a wave. How can you say that electron is a particle? Because it has mass and moment. Electron has mass and as well as moment. That is why it's a particle. But the question is mainly, how can we say that electron is a wave? So electron shows a phenomena, and that one is the direction, which reveals that electron having the wave. Do you think electron is a wave? You will say yes. The people will ask how? You will say electron will show the phenomena of diffraction. But diffraction is a property here. Wave property. So this reveals that the electron behave like a wave. So if question arises, if you say electron is a wave, then the question arises, what will be the wave length of electron? What will be the wavelength of electron? Question ये arise होगा कि wavelength of electron क्या होगा? तो student, wavelength of electron को calculate करने के लिए हमारे पास एक equation है, and that one is actually de Broglie equation. सारे इसका नाम पढ़ो, क्या चीज़ है? Student, do you know? आपको Planck's theory याद है? प्लांक्स इक्वेशन याद है? क्या है? E is equal to h a. I will say this is equation number one. You know the Einstein famous equation? E is equal to mc square. Right students? इन दोनों को कंपेयर करो। जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, तो बताओ क्या हो जाएगा? H is equal to mc square. Everyone clear? अच्छा, इसे मैं equation three कर देता हूँ. You know from the wave equation, तुमने matrix में wave equation पढ़ी होगी, और Planck's equation भी मैंने आपको पढ़ाई थी. That frequency is equal to c by f. याद है ना? अब ये value put करें किसमें? Equation three. Put the value in equation number 3. अब बताओ तुम्हें से क्या हो जाएगा? H c by lambda is equal to m c square. C और c क्या हो जाएगा? कैसा हो? तो बताओ भी कैसा हो जाएगा? H by lambda is equal to m c. ठीक है, हम करते हैं. Lambda को इस तरह क्या है? और m c को इस तरह. तो बताओ कैसा हो जाएगा? H divided by m c is equal to lambda. यानी लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एमसी. सी की जगह पे मैं क्या ले सकता हूं? वेलोसिटी. वी ले सकता हूं. तो बताओ क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ. लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम. सो दिस इक्वेशन को मैं इक्वेशन ए कहता हूं, और ये इक्वेशन हमारे पास क्या है? डी ब्रॉगली इक्वेशन. और क्या है? डी ब्रॉगली इक्वेशन. इक्वेशन पढ़ो क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम. इक्वेशन तुम याद होनी चाहिए, इक्वेशन तुम्हें याद होनी चाहिए. अल्लाह रहम करे. कहा जाता है कि जब तूफान आता है तो किसी सब्ज
कमजोर हम हिजाब की होती है तो उसकी वजह से सदाए हम करें हम लोगों The Broglie equation for it is lambda is equal to H divided by N. What is H? What is M? Then what is V? Velocity. Our question kya tha? Wavelength of electron. Do you have to calculate the wavelength? Chalo calculate karte hain. Ab sawal aise puche jayega. What is the wavelength of electron if electron is moving with speed of light? Question for you have to calculate the wavelength of electron if electron is moving with the speed of light. Chalo karte hain. Pagla bolo kya hai? Lambda is equal to h divided by m. H की वैल्यू 6.626 into 10 to the power minus 34 joules है. Divided by mass of electron कितना है? 9.11 into 10 to the power minus 31 kg. और बताओ velocity कितनी है? Speed of light कितनी होती है? 3 multiplied by 10 to the power 8 meter per second. इसे calculate करो जो भी आए ये हमारे पास क्या चीज होगा वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन राइट स्टूडेंट लेकिन एक बात याद रखना कि इस इक्वेशन में जो मास है इट मस्ट बी इन केज मास किस में होना चाहिए केज इस क्वेश्चन आप चुके राइट इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे एन ऑब्जेक्ट ऑफ 500 ग्राम with the velocity of 500 meter per second. What will be its wavelength? Question one. Scientist, which is named as Roentgen.
सारे प्रोटोन कैचेस हैं रोएंजन वाज अ साइंटिस्ट जिसने किसको डिस्कवर किया एक्सरे एक बड़ी मजे की बात बताऊं रोएंजन ने जब एक्सरे डिस्कवर किया था तो उसको सबसे पहले उसने बम्बार्ड किया था अपनी बीवी का बड़ा बेहतरीन इंसान था उसके मुताबिक शायद कुछ हो जाता सेकंड चांस किसी का बचा उसकी बीवी से जब उसे पास किया तो उसकी बीवी ने ज्वेलरीज पहनी थी राइट तो जब एक्सरे उसे पास की गई तो उसका स्केलेटन उसमें नजर आ रहा था और उसकी ज्वेलरी उसमें नजर आ रही थी राइट स्टूडेंट दिस इज इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बट दिस इज अ फैक्ट तो रोएंजन ने डिस्कवर कर लिया था उसने अपना काम कर लिया था लेकिन आपको पता है कि वो उस पर भी असर नहीं किया एनीहाउ नाउ वी मूव ऑन व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रोडक्शन methods of production of X-rays. X-rays को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से मेथड है जरा सुनिएगा पहला मेथड है उसे कहा जाता है रोएंजन मेथड एंड दूसरा हमारे पास है क्रूइस मेथड एंड तीसरा है इलेक्ट्रॉन बैंडेड ट्रांसफर याद रखिएगा अच्छा आप मुझे पढ़ते तो मेरे देखो सब कुछ मिलता है पढ़े जी कौन कौन से मेथड है कोलेज मेथड इलेक्ट्रॉन बैंडेड ट्रांसफर आपकी बुक में जो इंक्लूड है वो है रोएंजन मेथड तो हम इसको डिस्कस करेंगे ओके Then electrode connected with the negative terminal, and that electrode connected with the positive terminal. Are you observing something? Yes, sir. ये वाला electrode कैथोड है लेकिन अगर आप और से देखो तो कैथोड को कर्व बनाया गया है कैथोड को क्या बनाया गया है और ये वाला इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या चीज है एनोड वो इस तरह थोड़ा सा बेंड बनाया गया है टिल्टेड एनोड को दूसरा नाम एंटी कैथोड भी कहा जाता है बोले क्या कहा जाता है एंटी कैथोड राइट स्टूडेंट वैसे ही बताएं आपने यहाँ पे कैथोड रेस यूज कर लिया कौन सी रेस कैथोड आपको प्रेशर याद है अमूमन हम प्रेशर कितना रिड्यूस करते थे 0.1 पे तो ग्लो था ग्यारह ग्लो एंड 0.01 पे उसमें था ना लेकिन यहाँ पे हम प्रेशर को और भी कम करेंगे क्योंकि हमने इन कैथोड रेस से एक्स रेस प्रोड्यूस करने हैं क्या प्रोड्यूस करने हैं एक्स रे सो प्रेशर इज फर्दर रिड्यूस टू 0.001 हम एक्सपेरिमेंट में कैथोड में वोल्टेज कितनी अप्लाई करते थे 5000 टू 10000 यहां पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे 30000 टू 50000 वोल्ट 30000 टू कितना 50000 वोल्ट एवरीवन क्लियर तो आप मुझे बताओ इतना प्रेशर काम करेंगे इतनी ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे आपको पता है कि कैथोड से क्या निकलना शुरू हो जाएंगे कैथोड रेस और कैथोड रेस किसको हिट करेंगे तो मैं आप शायद मकसद पता लग गया होगा कि कौन सी रेस क्रिएट हो रही है कैथोड किस चीज का मकसद पता लग गया होगा कैथोड को कैसे बनाया है कर्व ताकि तमाम कैथोड को एक ही पॉइंट पे क्या कर सके फोकस कर किस पर फोकस किया एनोड तो एनोड पे फोकस किया तो एनोड से रेडिएशन निकलना शुरू हो गई और जब ये रेडिएशन को स्टडी किया गया तो पता लगा दिस रेडिएशन आर एक्चुअली द एक्सरेस इस रेडिएशन आर कॉल्ड एस एक्स रेस इस तरीके से हम इस चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं एक्स रेस आपका एक सवाल यहाँ पे क्रिएट हो सकता है और सवाल ये है कि आपने किस चीज को बमबार्ड किया है किस चीज पे एरोड से क्या निकलना शुरू हो गया कैसे कैसे हो रही है वैसे बाय द वे कैथोड रेस क्या होते हैं
कैथोड रेज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स. तो आपने इलेक्ट्रॉन को हिट किया किस चीज पे? एनोड. आप देखो इस एक्सपेरिमेंट में यानी एक्स रे प्रोडक्शन में एनोड को अमूमन बनाया गया था हैवी एलिमेंट से. किस से? हैवी एलिमेंट से पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट है यानी जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो ज्यादा हो, जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, जिनका मास ज्यादा हो. किस चीज का? एनोड का. किसका? एनोड का. अब एनोड के एटम में इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन है. आपने इस एनोड को हिट किया किस चीज से? कैथोड रेस से. और कैथोड रेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन. ये लो, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहे हैं. दीज आर इलेक्ट्रॉन व्हिच इज कमिंग. पता वोल्टेज कितनी है? 20,000. इतनी ज्यादा वोल्टेज की वजह से इन कैथोड रेस की इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी. और ये तेजी से मूव करते हुए आएंगे. और जब तेजी से मूव करते हुए आएंगे तो ज्यादा पेनिट्रेट हो जाएंगे. ऑलरेडी इसमें क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन. और ये आर क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन. तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा और यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से निकाल देगा. और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे. तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी? वैकेंसी. क्या क्रिएट हो जाएगी? और अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से आएंगे? हायर शेल से. आपने इलेक्ट्रॉन को कौन सी शेल से रिमूव किया है? फर्स्ट. तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? उसके ऊपर जितने भी शेल आ सकते हैं. तो बताओ पहली पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. आज एक इस वर्ड. और जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से लोअर शेल में आएंगे उससे क्या चीज इमिट करेंगे? रेडिएशन. एंड दिस रेडिएशन आर एक्चुअली डार्क एक्स रे. और इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में आते हैं इसको बोलते हैं इनर शेल ट्रांजिशन. और क्या बोलते हैं? इनर शेल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बोलो हाउ एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड. ने जवाब दे रहा है कि बाय इनर शेल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. दोबारा बोलो हाउ एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड? बाय इनर शेल ट्रांजिशन. दोबारा बताओ हाउ एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड? बाय इनर शेल ट्रांजिशन. एवरीवन क्लियर? आपने इलेक्ट्रॉन को कहां से रिमूव किया? इनर शेल से. कहां से? इनर शेल से. तो फिर हायर शेल से इलेक्ट्रॉन आए तो उससे रेडिएशन प्रोड्यूस हुई. Because the first shell is also called as K shell. So if asked, if I ask, what is K X-rays? So how will you define? An electron is removed from the first shell. So the X-rays are produced will be called as K X-rays. If electron is removed from second shell, and if electron kahan se remove ho jata, to phir kahan se aate? Third cell, fourth cell, fifth cell. उससे जो एक्स रेस प्रोड्यूस होती है उन्हें नाम दिया जाता है एल एक्स रेस. क्या नाम दिया जाता है? एल एक्स रेस. राइट स्टूडेंट? एंड दीस एक्स रेस, ये के एक्स रेस, एल एक्स रेस, इनका को नाम दिया जाता है. दे आर कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस. बोलो क्या नाम दिया जाता है? कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस. तो अब देखो जरा टाइप्स की, टाइप्स ऑफ एक्स रेस. मुझे आपकी तवज्जो चाहिए. प्रोग्राम में क्या लिखा है? Types of X-rays. सबसे पहला हमारे पास है characteristic. नहीं ये नई चीज है, ये पुराने कोर्स से अलग चीज है. And that one is called as characteristic X-rays.
जरा सारे पढ़ो क्या चीज है and if some ask what is greatness you can say तो आप कहोगे the excess which are produced by बोलो in a shell transition of electron बोलो क्या था तुमने बाय in a shell transition मानते हो सारे अब in a shell transition of electron में हमारे पास जो ये excess greatness producing है इसमें further क्या मौजूद है types मौजूद है तो अब इसकी further types को देखो तो हमारे पास जो पहली type है उसे नाम दिया जाता है k excess अब tell me what is k excess When electron is removed from the shell, yeah, the excess produced when electron jump from higher shell to the first shell. Higher shell to the first shell. So that excess will be called as K excess. Tell me, pehli possibility kya hai? Ke first shell mein electron kahan se aaye? Second se first mein. Dusra batao. Third se first. Another one. Fourth se first. Everyone clear? तो ये तो कौन सी एक्सरेज है K एक्सरेज लेकिन इसको नाम दिया जाएगा K अल्फा इसको K बीटा और इसको K गामा एवरीवन क्लियर बोलो क्या क्या नाम दिया जाएगा K अल्फा K बीटा K गामा ये K एक्सरेज की फर्दर टाइप्स है पहला हमने कहा कौन सी एक्सरेज कैरेक्टरिस्टिक उसमें कौन सी एक्सरेज K एक्सरेज में कौन कौन सी है K अल्फा K बीटा K गामा बताओ दूसरी एक्सरेज बता सकते हो Yes, and that one is the L excess. Define L excess. When the electron drop from higher shell to the second shell, so the excess produced will be called as L excess. Everyone clear? Tell me, क्या L excess की further times होगी? अच्छा, इसमें electron drop होके कौन सी shell में आते हैं? Second. तब second में कहाँ से आ सकते हैं? थर्ड से आ सकते हैं फोर्थ से आ सकते हैं फिफ्थ से आ सकते हैं राइट स्टूडेंट इसको क्या बोलोगे एल अल्फा एल बीटा और एल गामा इसी तरीके से तीसरी भी हो सकती है दैट वन विल बी द एम एक्सिस दैट वन विल बी द एम एक्सिस तो शायद आपके सवाल के जवाब में आ जाएंगे तो तुम इसे समझ लीजिए सवाल कुछ ये बोर्ड आपने देख लिया इसी पिक्चर में चलिए क्या पिक्चर लेंगे तो लें ऐसे आप YouTube से भी ले सकते हैं क्योंकि ये लेक्चर YouTube पे भी अपलोड होगा किसकी एनर्जी होगी के गामा की और फिर किसकी होगी के बीटा की
ओके किस इसकी दिस इज द ऑर्डर ऑफ इट. अच्छा कोई तुमसे पूछ सकता है कि हाईएस्ट इंटेंसिटी किसकी होगी? हाईएस्ट इंटेंसिटी तो काम खोल के सुनो कि अल्फा की इंटेंसिटी ज्यादा होगी के बीटा से और फिर के बीटा की ज्यादा होगी के गामा से. इंटेंसिटी का मतलब क्वांटिटी. इंटेंसिटी का मतलब है कौन सी एक्सरे ज्यादा क्रिएट होंगी. देखो पहले सेल से निकाल लो तो नसीब कौन सा है सेकंड. तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन कहां से आए सेकंड से. तो इसकी क्वांटिटी क्या होगी ज्यादा होगी. डेफिनेटली इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी. समझ गए सर? ठीक है. कौन सी एक्सरे हमने पढ़ी? क्या चीज है ब्राहम स्ट्रॉलिंग इफेक्ट. ओके लुक इट. ये एनोड के एटम है. ये क्या है? तो बताओ इसको कहां पे इस्तेमाल कर सकते हो?
तो बताओ सिक्योरिटी पर्पज के लिए कहाँ पे है सिक्योरिटी। अगर आप एयरपोर्ट पे जाए तो अपना सामान अगर आप रखें तो वो एक एक मशीन के अंदर से पास होता है, उसमें एक्सरेज होती हैं, तो वो आपके आपके लगेज में कोई मेटल मेटल को उसको डिटेक्ट करने के लिए सामान होती है। तो जो वॉक थ्रू गेट होते हैं, वॉक थ्रू गेट जो अक्सर बैंक के बाहर जो गेट लगे होते हैं उसमें भी बेसिकली एक्सरेज होती है, तो दैट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ द मेटल। तो कोई मेटल तो नहीं है तो उसके लिए। इसके अलावा अगर आपका हाथ पंप टूट जाए, यानी द डिटेक्शन ऑफ द फ्रैक्चर, द डिटेक्शन ऑफ द फ्रैक्चर इन द बोन्स, उसको लोकेट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन मेरा और आपका जो ज़्यादातर इस्तेमाल है, मतलब साइंटिस्ट का जो ज़्यादातर इस्तेमाल है, वो एक टेक्निक का है जिसे कहा जाता है XRD। शायद फिजिक्स में आप पढ़ोगे क्या चीज़ है XRD। इस एक्स रेज डिफ्रेक्शन मेथड कहते हैं, क्या कहते हैं एक्स रेज डिफ्रेक्शन। इससे तुम किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इससे किसी क्रिस्टल का क्या बता सकते हैं स्ट्रक्चर। और आपने बॉन्ड लेंथ का नाम सुना है, तो अगर आपने बॉन्ड लेंथ मेजर करनी हो तो आप किसकी मदद से मेजर कर सकते हो एक्स रेज। और आप लोगों ने एक बार भी नाम सुने होंगे वाटसन क्रिक्स, वाटसन क्रिक्स का नाम सुना है, ये रे का स्ट्रक्चर, उसे किसकी मदद से मेजर किया जाता है एक्स रेज। फिर उसके बाद हमने ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा, फिर हमने एक्सरेस पढ़ा। आपसे कल दोबारा मुलाकात होती है सेम चैनल पे सेम जगह पे। अपने होस्ट मकाम पे को जानते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।